हेलो एवरीवन, निवेदिता इज़ हियर बाय टेकिंग अ वीडियो ऑन द टॉपिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दिस इज़ अ टॉपिक फ्रॉम द यूनिट थर्ड, क्लास 12th बायोलॉजी। एंड इन द प्रीवियस वीडियो इननेट इम्यूनिटी इट वाज कवर्ड। सो सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट यू नो वेरी वेल दैट वन गेन्स बाय बर्थ, ओके, बट एक्वायर्ड इज नॉट लाइक दैट। लेट्स नो वॉट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द डिफरेंस ऑल्सो दस यू कैन से इट इज वेरी स्पेसिफिक वन। हर एक पैथोजन के लिए एक अलग तरीके की इम्यूनिटी होती है। इट मीन्स इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड इट इज नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ। ये इसका नाम एक्वायर्ड क्यों पड़ा? बिकॉज वी एक्वायर ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, दैट्स वाई इट्स नेम इज एक्वायर्ड। तो ये बाई बर्थ नहीं होगी और ये एक इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में गेन होगी या उसके लाइफ टाइम में डेवलप होगी, ओके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज इट्स मेमोरी, इट इज कैरेक्टराइज बाय द मेमोरी, ओके। मीन्स जब फर्स्ट टाइम पैथोजन से बॉडी मीन्स एनकाउंटर होता है बॉडी का, ओके, तो इस इम्यूनिटी का, इम्यून सिस्टम का, ठीक, तो बॉडी प्रोड्यूस करती है प्राइमरी रिस्पॉन्स का, ओके। मीन्स इफ द एनकाउंटर इज फर्स्ट टाइम, मीन्स एनकाउंटर मीन्स किसका एनकाउंटर? पैथोजेंस का। पैथोजेंस जब बॉडी में फर्स्ट टाइम अटैक करते हैं स्पेसिफिक टाइप के, तो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, मतलब बॉडी मीन्स इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। तो जब फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स करता है तो इसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। और ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है ये लो इंटेंसिटी का होता है, मीन्स इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रांग, ओके, ये कमज़ोर होता है। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर, इट रिटेन्स सम मेमोरी सेल्स। ये मेमोरी सेल्स को रिटेन करके रखता है और इम्यून सिस्टम जो होता है वो इसको मतलब यदि सेकेंड एनकाउंटर होता है कभी तो वो रिकॉग्नाइज कर लेगा एंड इम्यून सिस्टम जो है वो रेडी रहेगा। दोबारा यदि सेम पैथोजन से एनकाउंटर होता है तो अब इम्यून सिस्टम जो है रेडी, इट इज़ रेडी फॉर फाइटिंग, ओके। तो जो मान लो सेकेंड एनकाउंटर होता है विद द सेम पैथोजन, तो जो रिस्पॉन्स इम्यून सिस्टम देगा उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। और सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमेशा हाई इंटेंसिटी का होता है। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि वो क्विकली जो है वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। एंड ऑलरेडी मेमोरी सेल्स होती हैं तो वो बॉडी जो होती है उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज पहले से बना के रखती है। मीन्स द बॉडी इज रेडी टू फाइट विद द सेम पैथोजन एंड दैट्स वाई द सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज वेरी स्ट्रांग, ओके। दिस इज द डिफरेंस ऑल्सो, ये डिफरेंस भी है। अब देखते हैं कि एक्वायर्ड या अडेप्टिव इम्यूनिटी के फीचर्स क्या हैं। एज फर्स्ट स्लाइड में जनरलाइज कर ही दिया था, इसका जो फीचर है स्पेसिफिसिटी मीन्स हर एक अलग अलग तरीके के पैथोजेंस को ये आइडेंटिफाई कर सकता है। दिस इज स्पेसिफिक वन, ओके। डाइवर्सिटी मीन्स जितने भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये पहचान सकता है, ठीक। मेमोरी, व्हेनेवर एनकाउंटर होगा किसी भी पैथोजन के साथ तो फर्स्ट टाइम होता है तो क्या होगा कि वो इम्यून रिस्पॉन्स तो देगा ही देगा, फर्स्ट टाइम इम्यून रिस्पॉन्स देगा एंड इट विल बी सेव्ड एज सम मेमोरी सेल्स। एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो, इसका एक फीचर ये भी है कि इट कैन रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ का मतलब क्या हुआ? सेल्फ मीन्स बॉडी की सेल्फ, कोई भी इंडिविजुअल है जिसकी बॉडी के इम्यून सिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसकी अपनी बॉडी की सेल, ओके, दैट इज सेल्फ सेल। और जो बाहर से फॉरेन मॉलिक्यूल्स आए हैं, पैथोजेंस आए हैं, एंटीजेंस आए हैं, वो हुए नॉन सेल्फ। तो इसके बीच में वो डिफरेंस कर सकता है। और यदि सेल्फ सेल्स हैं तो वो उस रिस्पॉन्स को अवॉइड भी कर सकता है, अदरवाइज इट विल हार्म टू इट्स ओन बॉडी। तो ये डिफरेंशिएट कर सकता है।
अब ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्स है या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ये होता कैसे है? सो दिस अकर्स, दिस इज कैरिड आउट विद द लिम्फोसाइट सेल्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. ओके, एंड दीज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स दे प्रोड्यूस, दे हैव द डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन. लाइक बी लिम्फोसाइट्स जो हुआ करती हैं, हम उसे बी सेल्स भी कहते हैं. ओके, ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, मतलब इसका मोड ऑफ एक्शन हुआ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना, एंड फर्दर द एंटीबॉडीज विल फाइट विद द एंटीजेंस. और जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, ये टी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट सेल्स को इंड्यूस करते हैं कि वो एंटीबॉडीज को जनरेट करें. ओके, तो इनका मोड ऑफ एक्शन इस तरीके से है, बी सेल्स और टी सेल्स का. एंड मोर डिस्क्रिप्शन विल बी गिवन इन द कमिंग वीडियो. अब देखते हैं ये एंटीबॉडी क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ करता है. एंटीबॉडी जो नाम दिया गया है, दिस इज गिवन टू द इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, जो एक टाइप का प्रोटीन है. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मीन्स, एंटीबॉडी मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल वी आर टॉकिंग ऑफ. तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो हुआ करता है, ये एक सीरम प्रोटीन है. ओके, सीरम प्रोटीन है, एंड दिस एक्ट एज एंटीबॉडी, एंड दिस प्रोवाइड्स डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन किस लिए है? प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, डिफेंस सिस्टम को बनाता है ये. और जो मॉलिक्यूल हुआ करता है एंटीबॉडी का, इट इज हैविंग वाई शेप्ड स्ट्रक्चर. एंड फर्दर ईच एंटीबॉडी हैज फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और इस चार पॉलीपेप्टाइड चेन में से दो हैवी चेन्स होती हैं और दो लाइट चेन्स होती है. इसीलिए हम इसको एक सिंपल फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं, H2L2, दैट इज हैवी चेन्स एंड द लाइट चेन्स. ओके, H2L2 इज दिस ओनली, लाइट चेन्स एंड द हैवी चेन्स, तो दो दो हुआ करती हैं. और नेक्स्ट स्लाइड में यू कैन हैव द डायग्राम एज वेल. एंटीबॉडीज जो हुआ करती हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, एंड दिस देयर आर गिवन द फाइव टाइप्स, IgA, IgG, IgE, IgM एंड IgD. दीज आर प्रोड्यूस्ड. अब ये क्या है? IG तो इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल हुआ, पर ये AGEMD ये क्या है? ये लेटर्स क्या डिनोट करते हैं या क्या रिप्रेजेंट किया करते हैं? तो हर एक टाइप की जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिफर होते हैं. दे आर डिफर इन देयर एच चेन्स, उनकी एच चेन्स जो हैवी चेन्स होती हैं, ये हर एक की इसी में फ़र्क हुआ करता है. मीन्स दे आर डिफर इन देयर एच चेन्स. ओके, अब ये नाम कैसे हैं? ए, वॉट इज IgA? तो ए इज फॉर एल्फा, डी इज फॉर डेल्टा, जी इज फॉर गैमा, एम इज फॉर माइक्रॉन एंड ई इज फॉर एप्सिटॉन. ओके, तो ये जो AGEMD ये वर्ड्स, ये लेटर्स दिए हैं, तो दे आर रिप्रेजेंटिंग सच. सो ऑल दीज डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स, दे डिफर इन एच चेन्स, हैवी चेन्स. नाउ दिस डायग्राम यू कैन सी, क्या दिया है इस डायग्राम में? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है, और यू कैन सी देयर ए पे दिख रहा है, ए जो साइट्स हैं टिप्स पे बने हुए हैं, जो ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है. एंटीजन, यू नो, एंटीजन वो होता है जो एंटीजन फॉरेन मॉलिक्यूल हुआ करता है. ओके, मतलब पैथोजन ने जो भी केमिकल, जो भी प्रोटीन को बनाया और बॉडी में एंटर किया है, तो वो एंटीजन हुआ. तो ये किस तरीके से एंटीबॉडीज उसको एलिमिनेट करेगी, तो यहाँ से वो, ये कैचिंग एरिया है, मतलब बाइंडिंग साइट है. ए इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट. सो डिफरेंट रीजन्स आर गिवन ओवर हियर, एंड एफ इज जो चेन्स हैं वो लिंक्ड होती हैं ब्रिज से, डाइसल्फाइड लिंकेज या डाइसल्फाइड बॉन्ड हुआ करता है, उससे ये चेन्स जुड़ी हुआ करती है. अब जो फाइव कैटेगरीज, फाइव टाइप्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स के या एंटीबॉडीज के, तो उनके फंक्शंस क्या हैं? अब जैसे कि IgA अल्फा, ओके, इसका काम है इट गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम
इंजेस्टेड और इनहेल्ड पैथोजेंस, मतलब जो हमारे खाने के थ्रू या हमारी ब्रीदिंग के थ्रू जो भी पैथोजेंस अंदर गए हैं, ये उनके साथ फाइट करेगी और हमें प्रोटेक्शन देगी। और ये मदर्स मिल्क में भी प्रेजेंट हुआ करती है। विच मिल्क मीन्स फर्स्ट मिल्क, कोलेस्ट्रम वर्ड इज यूज फॉर द मदर्स फर्स्ट मिल्क, कोलेस्ट्रम उसी को कहते हैं। तो कोलेस्ट्रम इज रिच इन द IgA एंटीबॉडीज, ओके, तो ये उसमें हुआ करता है। एंड दैट्स वाई द मदर्स मिल्क इज गुड फॉर द इन्फेंट, ओके, क्योंकि ये उसको इम्यूनिटी भी दे रहा है, ना केवल नरिशमेंट दे रहा है बट इम्यूनिटी भी दे रहा है। IgD, ओके, डेल्टा, इसका काम है एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, ठीक है। और IgD जो प्रोटीन है, एंटीबॉडीज हैं, ये प्रेजेंट होती हैं लिम्फोसाइट सेल्स के ऊपर, ओके। IgE इप्सिटॉन दैट गिव्स रिस्पॉन्स इन एलर्जिक एक्शंस, ओके, सो दिस इज फॉर दिस। IgG गैमा, इसका फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन इज टू स्टिमुलेशन ऑफ फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स मतलब वो सेल्स जो ईट अप कर लेती हैं पैथोजन का, एज वेल एज ये फीटस को पैसिव इम्यूनिटी भी दिया करती है। एंड द IgM माइक्रॉन, इसका फंक्शन है एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, बी सेल्स को एक्टिवेट करना, क्योंकि बी सेल्स ही एंटीबॉडीज को बनाया करती हैं, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड देयर रोल्स। नाउ दिस इज अ स्मॉल असाइनमेंट फॉर यू टू डू।